हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर समाज में हमको नैतिक व्यवस्था क्यों चाहिए। ओके, मॉरल सिस्टम क्यों चाहिए हमको, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमने ये मॉरल ऑर्डर बना रखा है सोसाइटी का। ओके, तो इसको इसके बेसिकली तीन कारण है। ओके, पहला कारण ये है कि हम चाहते हैं कि समाज हमारा समाज का अस्तित्व बना रहे, ऐसा ना हो कि हम हमारी सोसाइटी खतरे में पड़ जाए, हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट ही ना करती हो। ओके, पहला तो एक कारण है। दूसरा कारण है इस समाज के मेंटेनेंस के लिए, चलने के लिए। अस्तित्व हो गया, समाज है, अब इसको चलाने के लिए, किस सिस्टम को चलाने के लिए भी हमको इस मॉरल ऑर्डर की जरूरत है, नैतिक व्यवस्था की जरूरत है। और तीसरी चीज है इसके विकास के लिए। करेक्ट, हम चाहते हैं कि कोई भी मॉरल ऑर्डर है, कोई भी सिस्टम है, वो समय के साथ विकास करता रहे, चेंज होता रहे। करेक्ट, तो मेन ये रीजन है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, बाकी के नेक्स्ट टू वीडियोज में मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समाज के अस्तित्व का क्या मतलब है। ओके, देखो, समाज हम बोलते हैं, समाज क्या है, समाज बेसिकली ग्रुप्स ऑफ पीपल है। हम बहुत सारे लोग हैं, मिलके एक अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उसी को हम समाज बोलते हैं। ओके, सोसाइटी। अब हमने देखा पुराने वीडियोज में कि मनुष्य है वो मूलतः स्वार्थी है। ओके, मूलतः स्वार्थी मतलब बचपन से ही वो सेल्फिश है। अब और ये बचपन से ही वासनाओं के बसीभूत है, मतलब उसमें बहुत सारी डिजायर्स हैं। ओके, वो उसमें बहुत सारी डिजायर्स हैं और वो वासनाओं के बसीभूत है। अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक लोगों में है, मनुष्य में है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कभी भी अराजकता फैला सकता है, कभी भी दंगा कर सकता है, कभी भी एक दूसरे से लड़ सकता है। करेक्ट, और हॉब्स ने हमको क्लियरली बताया था कि सोसाइटी में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये शत्रुता खत्म हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए एक मॉरल ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ओके, तो थॉमस हॉब्स ने बताया था कि बेसिकली कैसे बनता है ये, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लेवाइथन। ओके, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेवाइथन में उसने क्या बोला कि बेसिकली समाज के धीरे धीरे जब समाज का विकास होने लगा, ओके, तो उसके लिए क्या हुआ, सारे लोगों ने, ओके, अपनी पावर एक सिस्टम को दे दी। करें, और वो सिस्टम एक बन गया सुपर पावर। ओके, वो इतना सुपर पावर बन गया कि मान के चलो इसका गुंडे जो इस जगह का और इस समाज का जो सबसे बड़ा गुंडा है उससे भी बहुत बड़ा पावरफुल गुंडा। करें, तो उससे कोई पंगे ले नहीं सकता है, और उसी सिस्टम को हमने राज्य बोल दिया। ओके, तो राज्य क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है कि उसके लोग बेसिकली अराजकता ना फैलाएं। ओके, क्यों अराजकता फैलाएंगे वो, क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, सेल्फिश है और वासनाओं के बसीभूत है। तो इसीलिए समाज के अस्तित्व के लिए हमको एक मॉरल सिस्टम चाहिए। ओके, होप ये वीडियो तुमको समझा पाया हो कि आखिर हमको मॉरल सिस्टम क्यों चाहिए। ओके, बाकी के दो जो ये हैं, इसके बारे में हम अगले दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, कि आखिर समाज के चलने के लिए क्यों चाहिए हमको, और समाज के विकास के लिए क्यों चाहिए। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।